आसान तरीका आप देखिए, पकड़िए जोर से, यहाँ पकड़ा हुआ है ध्यान, यहाँ दो बार, एक जो दुश्मन है सामने वो उसके बाँह पर हल्का हल्का धक्का लगे, ताकत नहीं लगाना आपको, यहाँ ताकत लगाइए, ताकत यहाँ खपत हो जाएगा, यहाँ हल्का करके सीधा यहाँ तुरंत, नहीं ऐसे मार देना, घींचना नहीं है, चलो एक अंतिम, चल चल चल, चल। आप इसका कल तुरंत, हाँ देखे, और दो तरीका हुआ, एक यह गिर रहा है, अब अगर आपके पास गिर रहा है तो अब आप उसको पकड़ के नीचे गिरा सकते हैं, हाँ चलिए दूसरा तरीका दूसरे दिन बताएंगे, ठीक है, है? सुरक्षित जीवन, सुरक्षित जीवन, सुरक्षित परिवार, सुरक्षित जीवन, सुरक्षित परिवार, सुरक्षित इसको, सुरक्षित परिवार, सुरक्षित इसको, सुरक्षित परिवार, थैंक यू। खबर जिस स्कूल में नामांकन हुआ था उसको देखा गया था, इसीलिए जितने भी तुम लोग बच्चे हो सबको बोलो काम नहीं करना है, 14 वर्ष के जितने बच्चे हैं सबको पढ़ना है और सबको लाना है वहां से। थैंक यू सर। तो ये था बाल अधिकार, बाल शोषण, शोषण नहीं सांस लेना, शोषण यानी आपके हक को जो मारता है, शोषण हुआ, तो बाल शोषण बाल अधिकार के बारे में। अब है छेड़छाड़ से संबंधित, मजबूर करता है तब यही पकड़ लेता, अभी थोड़ी देर पहले हुआ सर मेरा इलर्ची पकड़ रहा है, कौन सा दिन है और आज क्या है, तो आज का जो कार्यक्रम है सुरक्षित शनिवार के तहत बाल अधिकार, बाल शोषण, बाल विवाह, तीन चीज पर जानेंगे, कौन कौन, बाल बाल अधिकार, बाल विवाह और बाल शोषण, शोषण के खिलाफ उसकी जानकारी लेंगे, तो एक एक करके हम लोग जान लेते हैं। पहला है बाल अधिकार, आपका अधिकार क्या है, आप भूखे हैं तो भोजन कौन देगा, माता पिता, यह आपका अधिकार है, अगर वो भोजन नहीं देंगे आप 1 से 14 साल, 1 से 14 साल के बीच जो भी बच्चे हैं, लड़का हो या लड़की, उनका लालन पालन, लालन पोषण, भोजन कपड़ा उनके माता एवं पिता देंगे, कौन देंगे, अगर नहीं देंगे तो आपके माता पिता को कोई न कोई जरूर कहेंगे, समाज भी कहेगा कि भोजन क्यों नहीं देता है, देना ही पड़ेगा। इसके लिए शिक्षा देने के लिए आप देखते हैं विद्यालय में भोजन कपड़ा सब चीज देती है ना, या देके कोई मेहरबानी नहीं, या आपका अधिकार है जो सरकार देती है, तो ये हुआ अधिकार। अब चले शोषण के खिलाफ, शोषण क्या होता है, 1 से 14 साल के, 1 से 14 वर्ष के उम्र के बच्चे जो है
आपको पढ़ाई करनी है, उसे काम नहीं करवा सकते हैं, बिल्कुल नहीं। अब इसका मतलब ये नहीं कि सर बोले हैं एक से 14 साल हमारा उम्र है, काम को उन्होंने करेंगे घर में भी, दुकानों सब पे या किसी के घर में भी नौकरी के रूप में तो नहीं काम कर रहा, नौकर के रूप में। एक से 14 साल के बच्चे, छोटे बच्चे से काम लेना कानूनी जुर्म है। इसीलिए कहा जाता है कभी कभी चिमनी भट्टा पर या दुकान पर काम करते हुए बच्चे पकड़े जाते हैं तो बच्चे को वहां से ले जाकर बाल सुधारगिरी में भेज दिया जाता है, और जिस दुकान पे काम करता है उस दुकानदार को पकड़ के जेल भेजा जाता है। यहाँ तक कि उनके अभिभावक से भी सवाल जवाब होती है। तो एक से 14 साल के जो भी बच्चे हैं, तो निश्चित रूप से वर्ग 8 तक, आंगनबाड़ी से लेकर वर्ग 8 तक सभी बच्चे, और से सुनिएगा, और सब देखे होंगे कि बाल शोषण के खिलाफ जो बच्चे कार्य करते हैं उसको पकड़ के लहदे, उस पर ज्यादा फोकस। बच्चों का ये अधिकार है कि शिक्षा का अधिकार दिया गया बच्चों को 0 से 14 साल के जितने भी बच्चे हैं सबों को अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करना। इसके लिए क्या मिलता है स्कूल में? बुक में किताबें, किताब को पता मिलता है ना, किताबें मिलती है, भोजन मिलता है, और हम लोग पढ़ाई भी मिलता है, कपड़ा भी मिलता है, छात्रवृत्ति मिलती है। ये अधिकार है और इसको हम लोग खत्म नहीं करना है। क्या होता है कुछ बच्चे को क्या करता है माँ बाप, काम करने के लिए भेज देता है यदि वही पकड़े जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले तुम्हारे यहाँ माखन भोग में कुछ बच्चे पकड़ के ले गया था, तो हम लोग कुछ दिन पहले भी खबर जिस स्कूल में नामांकन हुआ था उसको देखा गया था। इसीलिए जितने भी तुम लोग बच्चे हो सबको बोलो काम नहीं करना है, 14 वर्ष के जितने बच्चे हैं सबको पढ़ना है और सबको लाना है वहां से। थैंक यू सर। तो ये था बाल अधिकार, बाल शोषण, शोषण नहीं सांस लेना, शोषण यानी आपके हक को जो मारता है, शोषण हुआ। तो बाल शोषण, बाल अधिकार के बारे में। अब है छेड़छाड़ से संबंधित, छेड़छाड़ दो कैटेगरी में आते हैं, एक लड़का के साथ छेड़छाड़ और लड़की के साथ छेड़छाड़। छेड़छाड़ क्योंकि आप लोग यहाँ लड़के हैं, चर्चा लड़के का भी करेंगे। होता क्या है कि चल रहा है, सब कोई मार्केट में चलते हैं, आम पब्लिक है, दिनचर्या में हम लोग आते जाते हैं कहीं पे, लेकिन छोटे बच्चे को देखकर सोचता है यह प्रतिरोध नहीं करेगा, उसको देख के कुछ भी शब्द कह देता है, जो मर्जी शब्द बोल देता है, लेकिन यह मानता है वह बच्चा प्रतिरोध नहीं करेगा, विरोध नहीं करेगा, बड़े आदमी है और यह डर से कुछ नहीं बोलेगा। विशेषकर लड़कियों के लिए ज्यादा यह है कि छेड़छाड़ संबंधित यदि राह चल रही है, कोई छिटी मार दिया, कुछ शब्द ऐसा बोल दिया और वो शब्द के मारे कुछ नहीं बोल पा, ऐसा होता है। लेकिन हमारी मानसिकता वैसी परिपक्व होनी चाहिए, जैसे ही लगे एहसास हो छेड़छाड़ हो रही है, अगर एहसास हो जाए तुरंत विरोध करें, तुरंत रोक के बोले सर क्या गलती है मेरी, या इनकी क्या गलती है जो आपने ऐसा किया, और उसको प्रेम से शर्मिंदा कर सकते हैं, प्रेम से, भैया ये आपकी बहन है और आपने इनके साथ ऐसा क्यों किया, क्या ऐसा ही होता है क्या, वह उसको जो छड़ी से मारा जाएगा लग जाएगा, और वहां पे 10 आदमी है तुरंत डिसाइड कर देगा हाँ या
अमुक व्यक्ति लड़कियां की है, ये है लड़का के बारे में, लड़का चल रहा है, मान लीजिए ये छोटा सा बच्चा है, अब इसको कुछ है चल रहे हैं, इसको ऐसे ऐसे ठोक, अब हम बड़े हैं, ये छोटा बच्चा है, रोड पे चल रहा है, घर से मार्केट गया है, इसको ऐसे ठोक दिए, क्यों ठोकेंगे, क्यों मारेंगे, मेरा हक है मारना, नहीं नहीं, इसका हक है सुरक्षित चलना, और इसको सुरक्षित चलाना हम बड़ों का हक है, इसको सुरक्षित सुरक्षा प्रदान करें कि सौ सुरक्षित घर तक चला जाए, लेकिन हम क्या करते हैं ऐसे मार दिए, इसके इसके साथ छेड़छाड़ होगी। एक से चौदह साल के बीच के बच्चे को सुरक्षा की जरूरत होती है, अब कोई मारपीट कर दिया, अब इसको जरा सा देखें, इसको देखिए, यहाँ देखिए, हम बड़े हैं, इसको यहाँ देखिए, इसको छोड़ दीजिए, ये हम बड़े हैं, अक्सर लड़ाई में क्या होता है, अक्सर लड़ाई में यह देख लीजिए, लड़की का तो अलग स्टाइल है, क्या लड़की है भाई, हम लड़का के बारे में बता रहे हैं, कोई गया लड़ाई हुआ पकड़ लिया, यही पकड़ लेता है ना, अगर हम बड़े हैं मजबूर करता है तब यही पकड़ लेता है, अभी थोड़ी देर पहले हुआ सर मेरा ये लड़की पकड़ रहा है, तो यही पकड़ने करता है, दो चार फाइट आ जाओ, क्या बार बताएं, चिल्लाना नहीं है, फिर भी बंदर के तरह काम करता है, सबको नहीं पकड़ेंगे, टारगेट करेंगे, आदत बहुत गलत आदत है, मुंह से चिल्लाना ज्यादा कुछ गए कुछ हो गया, गाली बजा मुंह से क्या जरूरी है बोलना, उठा के पटकने की, उठा के पटकने की बात नहीं है, हम सर आज हम बैठ जाओ, बैठ जाओ, तुम आ जाओ, हम मार अति वो उठा पटक वाला, ये कैलर पकड़ा, अब लड़की पकड़ेगा तब बचाओ कैसे करना, पहले झगड़ा कर, तुम इसका पकड़ेगा पहले, आधा पकड़ा आधा पाई तब, हाँ कैलर, हाँ पकड़ लिया, अब क्या करेगा, नहीं ताकत यहाँ अगर इस्तेमाल किया तो इसका ध्यान यहाँ तो मजबूती कर लेगा, उसको यहाँ पे इसको यहाँ यहाँ बांह में दोनों तरफ, पहले हल्का वहाँ ऐसे हल्का, अचानक वहाँ करने के बाद तुरंत वहाँ नीचे अपने पास, एक ऐसे 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 हाँ, दो बार इस्तेमाल करना है, पहला इस्तेमाल जैसे ही किए पकड़िए, पहला जैसा इस्तेमाल किए देखिए, ये यहाँ हम इसलिए किए उसका ध्यान यहाँ पे और यहाँ ताकत स्वतः कम पड़ जाएगा, ताकत यहाँ स्वतः कम पड़ जाएगा, ध्यान उसका यहाँ, और हमको यहाँ ताकत नहीं लगाना है, हल्का ऐसे, ठीक है, ये तरीका लास्ट, इसको जल्दी कीजिए, अंतिम करेंगे, चलिए नहीं हो पा रहा है, आप देखिए पकड़िए जोर से पकड़िए, यहाँ पकड़ा हुआ है, ध्यान यहाँ दो बार, एक जो दुश्मन है सामने वो उसके बाँह पर हल्का हल्का धक्का लगे, ताकत नहीं लगाना आपको, यहाँ ताकत लगाइए, ताकत यहाँ खपत हो जाएगा, यहाँ हल्का करके सीधा यहाँ तुरंत, नहीं ऐसे मार देना, घिंचना नहीं है, चलो यहाँ कर अंतिम, चल चल चल, आप इसका कल तुरंत, हाँ देखे, और दो तरीका हुआ, एक यह गिर रहा है, अब अगर आपके पास गिर रहा है तो अब आप उसको पकड़ के नीचे गिरा सकते हैं, हाँ चलिए दूसरा तरीका दूसरे दिन बताएंगे, ठीक है, ए? तो ये
था हम लोग का बाल विवाह, बाल शोषण है। एक रह गया, एक एक बाल विवाह एक से 14 साल के बच्चों को शादी करना वो जुर्म है, क्योंकि शरीर हमारा परिपक्व नहीं हुआ है, इसलिए बाल विवाह के विरुद्ध है। तो ये था हमारा सुरक्षित शनिवार आज का कार्यक्रम, हम लोग नारा लगाएंगे सुरक्षित जीवन, सुरक्षित जीवन, सुरक्षित जीवन, सुरक्षित इसको, सुरक्षित इसको।